कॉस्टिंग पे आ जाओ, चार चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल आरटीपी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। वो चार चैप्टर कौन से हैं? एबीसी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, इन चार चैप्टर। ये चार चैप्टर 40 नंबर के हैं एग्जाम के अंदर और ये आते हैं। इनसे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि धोखेबाजी हो जाए। अगर ऐसा वहां पे क्वेश्चन आ गया और आप नहीं कर पाए ना, तो फिर ये आपकी बेवकूफी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, कॉस्टिंग का बाकी क्या करें मैं, वो मटेरियल लेबर? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आईसीए के क्वेश्चन करो, आरटीपी के करो, सफिशियंट है, इससे ज्यादा मत भागो। देखो अगर आप रिवाइज करके सारा नहीं गए ना, कुछ भी आप छोड़ गए, तो एग्जाम में आप उसे रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। और जब अगर आप उसे रिकैप नहीं कर पाओगे, रिकैप्चुलेट नहीं कर पाओगे, तो सारा पढ़ा हुआ समय इधर का आपका वेस्ट हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही आप एग्जाम देके आते हैं, लॉ का आपको बैठना नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट, इसको सेम डे कंप्लीट कर लेना है, चाहे रात के 10 बजे 11 बजे, कुछ नहीं करना। कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी पिछले चार अटेम्प्ट्स के, और जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स आईसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बस ये चीज़ें करनी है। क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट कैसे, आईसीए के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी के सारे क्वेश्चंस, बेशक पास्ट एग्जामिनेशन क्योंकि पूरे पूरे पेपर होते हैं तो इसको एंड में करिएगा, इसके लिए थोड़ा टाइम बचा के रखिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाना है प्रोसेस एंड जॉइन बाय प्रोडक्ट, जो कि मॉर्निंग में 11 बजे तक हो जाना चाहिए। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लंच से पहले पहले से कंप्लीट करें, फिर लंच के बाद दूसरे चैप्टर्स करें, और फिर कंसाइज नोट्स या कुछ स्पेशल नोट्स आपने बना रखे हैं अपने लिए तो उसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थ्योरी के आपको प्लस प्रैक्टिकल के कंसाइज नोट्स गिवन है, उसको आप अच्छे से रेफर करें, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर जो हमने कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, मैं आपको बता दूं आपका स्ट्रिक्ट फोकस जो है आईसीए मॉड्यूल पे जितना रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज जस्ट यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। जय श्री श्याम।